गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन में नौकरी की मांग को लेकर 35वें दिन भी धरना सत्याग्रह चालू रहा। रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर के नौजवान धरना स्थल पर मौजूद रहे। वहीं रेलवे पुलिस बल भी भारी मात्रा में रेलवे स्टेशन में मौजूद रहा। आंदोलनकारियों की मांग है कि नौकरी नहीं तो रेल नहीं। नौजवान किसानों ने कार्य को बंद कराया एवं डेमू ट्रेन को वापस कर दिया। आंदोलनकारियों ने समस्त रेलवे क्रॉसिंग के पास चल रहे निर्माण कार्य को बंद करा दिया है। आंदोलनकारियों की एक ही मांग है कि जब तक बेरोजगार नौजवानों को नौकरी नहीं दी जाती, तब तक इसी तरह आंदोलन सत्याग्रह का रास्ता अहिंसक तरीके से करते हुए विरोध जारी रखेंगे। आपको बता दें कि गोविंदगढ़ रीवा के बीच भारी संख्या में नौजवान जगह जगह नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। स्थानीय कई किसान जिनकी जमीनें रेलवे द्वारा जबरदस्ती तरीके से ले ली गई और आज तक मुआवजा एवं नौकरी नहीं दी गई है, उन्होंने रेलवे के डिप्टी चीफ सौरभ मिश्रा से अपनी मांगों को तत्काल निराकरण करने के लिए कहा। सौरभ मिश्रा ने आश्वस्त किया कि वह तत्काल इस संबंध में उनकी मांगों का निराकरण करेंगे। आंदोलनकारियों ने संबंधित रेलवे अधिकारी सौरव मिश्रा को ग्राम पंचायत बांसा मड़वा अमिलकी स्वसर की ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा द्वारा पारित आदेश, जिसमें उल्लेख किया गया है कि हमारे पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रभावित भूमि स्वामियों को जब तक नौकरी नहीं देती तब तक ग्राम सभा द्वारा रेलवे निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाती है। जब जरूरत पड़ी तो रेलवे के खिलाफ FIR भी कराएंगे। अगर जबरदस्ती रेलवे पंचायत के किसानों के ऊपर बल प्रयोग करेगा तो कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर रेलवे के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करने के लिए अनुशंसा करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर गुढ़ क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कपिध्वज सिंह धरना स्थल पर पहुंचे एवं किसानों नौजवानों की मांग का समर्थन किया। हमारा नहीं मिला है तो 250 निर्माण कर किसानी करके खास रखते थे सर, अब वो भी चली गई मेरी जमीन तो मैं क्या करूँ। अभी तो ये हुआ कि नौकरी मिलेगी उससे, ये उम्मीद में किसान उनका वो नंबर नंबर ये गलत है सर, सर की नहीं है मुआवजा पूरा कलेक्टर साहब को जमा कर। अच्छा, एक और निवेदन था, ठेकेदारी ठेकेदारी ठेकेदारों की गुंडागर्दी पर रोक लगाए आप। ये किसानों की अवैध मिट्टी उठा लेते हैं, ले जाते हैं, उनका कोई कंपलसेशन नहीं देते, चोरी से कुछ नेक्सस बने हुए हैं जो ठेकेदार और गुंडों के बीच में ये कहन नेक्सस बना के कर ली। हम लोग जाबो करो उसका मतलब को ना लगाओ सर। बात एक बात जो ठेकेदार गुंडों को लोकल गुंडों को लेकर और किसानों को उठा लेते हैं, उनको मालूम है हमारे साथ स्वयं पीते हैं। आप आपके पास आपको भी मालूम है, आपके सामने हमने बात की कि मेरी जमीन की उठा ले गए, आज तक कंपनसेशन नहीं दिया, आप लोग भी नहीं सुनते हैं। ये थोड़ा सा रोक है, अगर आप काम कराने के लिए अधिकृत हैं तो इस बात के लिए अधिकृत हैं कि ठेकेदार किसी किसान की जबरदस्ती मिट्टी न उठाए, जबरदस्ती उसके रोड में निकाले। हमारी खुद हमारी जमीन की मिट्टी निकाल ले गए, बोले जो पैसा देंगे ये करेंगे कुछ नहीं। क्या इस पर आप कार्रवाई करेंगे उन ठेकेदारों के खिलाफ? बिल्कुल, आप खुले दिल से बताइए। और उन किसानों का कंपलसेशन दिलवाएंगे क्या आप? ये आश्वासन दीजिए रोड बना लेते हैं, जबरदस्ती मिट्टी खोद लेते हैं। अरे अपना 11 कहीं थे हम, अपने 10 के जमा अभी तक नहीं आया। जब पता है बताइए, ठेकेदारों की गुंडागर्दी आपको पता है? गुंडागर्दी नहीं पता, नौकरी का इशू नहीं पता थी मैंने आपको स्वयं ये बात बताई। नौकरी का इशू मैं विक्टिम हूँ, आप क्या इंकार कर देंगे कि मैंने आपको शिकायत नहीं? आपने बताया, एक बार मैंने संज्ञान में लाया, क्या हुआ कुछ नहीं? उसमें उसमें आपने क्या कुछ किया? ठेकेदारों को नोटिस जारी की? नोटिस जारी किया
आपने आपको धन्यवाद। अगर नोटिस जारी की तो नोटिस जारी किया, हमने कॉन्ट्रेक्टर को लेटर भी दिया, मतलब पेनल्टी भी लगी। अरे अभी तो बात हुई है तो आप कैसे भेज दिए? नहीं पहले भी बात हुई उनसे, तो एक्चुअली थोड़ा ऑफिस से मुलाकात हुई थी उनसे, मैंने कंपेयर दी 26 जनवरी के टाइम थी ना शायद। जी 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 बिल्कुल। और ये तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नौकरी तो हमें देना होगा, देना होगा, देना होगा। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। रेलवे तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रेल प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दिन कार्य चल रहा है उसमें आप कितने देर से फंसे थे? डेढ़ से दो घंटे हो गए थे सर। जी आपकी आवाज सुनी नहीं जा रही, अब ये व्हील चेयर में है। हटो साइड, हटो, जल्दी जाना है। रेलवे वाले अधिकारियों को हमने वहाँ रुका कर पूछा था, उन्होंने कहा कि यहाँ से जल्दी हटो, हमें जल्दी जाना है, बहुत जल्दी है, बहुत बोझ है। और ये 1089 नंबर में हम सब खड़े हैं, 1089 नंबर का भूखंड है, लोकेशन ऑन द स्पॉट करिए, चेक करिए। नहीं सर, हमारा ये चोर है जो इसमें है वो राम निवास है, मेरा बाबा। यस सर, इसका मालिक भूम स्वामी। आप 1089 लोकेशन ऑन रिकॉर्ड मोबाइल। इसमें दिक्कत क्या जा रही है? इसमें ये अधीन के तहत हमें गुलामी दे रहे हैं, ये अधीन भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन। इस लोकेशन को आप, अच्छा हम बोले पढ़े ठीक है, आप लोग पढ़िए, मेरा मुंह सूख रहा है। मास्क उतरवा दिए। इसकी सरकार हो चाहे वो पीएम दामोदर दास मोदी हो या अन्य कोई सरकार हो, मैं उसको सूचित करता हूँ और सावधानी देता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर बगैर इजाजत बगैर अनुमति आना मना है, चाहे वो एयरफोर्स हो या नेवी फोर्स हो या एनी प्रॉब्लम कोई। अगर ये इसी तरह तानाशाही करते रहेंगे तो आप क्या, हम इनकी उखाड़ फेंकेंगे। बट हम अपनी जमीन नहीं देंगे किसी भी हालात में।